Hi dear students, good morning to all of you. So today's lecture is E2 and E1 reaction. कल मैं बताया था आपको कि elimination reaction क्या है, okay? And elimination reaction कितने type का है. So basically elimination reaction जो है that is of two types, E2 and E1. Now the question is what is E2 reaction? कल बताया था E2 reaction होने के लिए क्या क्या condition होनी चाहिए, okay? सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CH3CH2Br, ओके, CH3CH2Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड. एंड विद दिस इथाइल ब्रोमाइड इफ आई वांट टू रिएक्ट दिस वन विथ सोडियम इथोक्साइड और एल्कोहलिक KOH, कोई स्ट्रॉन्ग बेस मुझे यूज करना पड़ेगा इधर, ओके. सपोज मैं इधर ये रिएक्शन करूंगा एल्कोहलिक KOH, एंड ये रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ओके. हाई टेम्परेचर मीन्स इसमें 320 केल्विन देने से हो जाएगा रिएक्शन, ओके. अच्छा, जब मैं इस रिएक्शन को एल्कोहलिक KOH एंड हीट के साथ रिएक्शन करूंगा, देन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, यू सी हियर, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है कि नहीं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. ये जो KOH है, एल्कोहलिक KOH, अक्वास KOH नहीं है, एल्कोहलिक KOH, मैं कल बोला था आपको जो एल्कोहलिक KOH दैट विल डू एलिमिनेशन रिएक्शन, बट अक्वास KOH दैट विल डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके. सो ये जो KOH है, व्हाट इट विल डू एक्चुअली, दिस जो OH माइनस है ये क्या करेगा, ये H प्लस को अटैक करेगा, ओके. कोई भी एक H प्लस को अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसका जो बॉन्ड पेयर है, दिस बॉन्ड पेयर विल कम हियर, इधर आ जाएगा, ओके. ये जैसे जब इधर आएगा देन इसका एक वैलेंसी कम हो जाएगा, मतलब Br निकल जाएगा, ओके. एंड ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ओके. फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH2 double bond CH2 plus KBr plus H2O. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, के बी आर कहां से है, ये K प्लस ये Br माइनस, ओके. सो आपको मिल रहा है एथीन, ये क्या है, एथीन है. अच्छा, सो देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है, मैं क्या बोला, दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंड दिस ये जो स्टेप है, दिस इज RDS, ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड RDS. RDS क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मीन्स इफ आई राइट दिस रिएक्शन, सपोज मैं इसका रेट फाइंड आउट करूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड ये जो बेस है, कौन सा बेस था, एल्कोहलिक KOH जो था बेस, ओके. फ्रेंड्स यू सी, ये जो रिएक्शन का रेट है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस बेस, दोनों का ऊपर रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करेगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E2. E2 मीन्स 2 लिखा हुआ ना, क्योंकि दो रिएक्टिंग स्पीशीज का ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, एक तो अल्काइल हैलाइड और एक बेस, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेट हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, ये एच प्लस जाएगा, मतलब इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो बीटा एलिमिनेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, भाई देखो ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है एंड ये वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन जा रहा है, दैट मीन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. E2 रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. H प्लस जाएगा, Br माइनस निकलेगा एंड आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अल्किन. एंड ये जो रिएक्शन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको E2 रिएक्शन बोलोगे. एंड E2 रिएक्शन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या है, फर्स्ट कंडीशन है यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस. क्या चाहिए आपको, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ओके. सेकेंड इज दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन लाइक योर SN2. ये जो रिएक्शन है दैट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. जैसे SN2 रिएक्शन क्या था, न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा.
सिंगल स्टेप रिएक्शन था. इन सेम वे योर ई टू रिएक्शन दैट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. एंड ये रिएक्शन के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस. और कौन सा अल्काइल हैलाइड चाहिए? आपको चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. ये अल्काइल हैलाइड आपको चाहिए. ये अल्काइल हैलाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा? ई टू रिएक्शन मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ई टू रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ई वन रिएक्शन. ओके, सो व्हाट इज ई वन रिएक्शन? दिस इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर? बिकॉज दिस इज वन. द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग स्पेसिस. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ई वन रिएक्शन. एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको. सपोज दिस इज एन अल्काइल हैलाइड लाइक दिस. दिस सी एच टू. रुको. सो दिस इज हैलाइड लाइक दिस सी एच एंड दिस इज सी एच टू सी एच टू बी आर. ओके, सपोज ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास है. इस मॉलिक्यूल के साथ मैं क्या करूंगा? आई विल रिएक्ट दिस वन विथ इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच एंड आई हीट इट. ओके, टू थिंग्स यू हैव टू डू फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन. के लिए फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन यू नीड टू गिव हीट. विदाउट हीट द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. क्यों? क्योंकि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि दो बॉन्ड उसमें ब्रेक हो रहा है. एक तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक हेलोजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है. आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको हीट चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई योर एलिमिनेशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. प्लीज रिमेंबर, दैट्स व्हाई हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा. ओके, अच्छा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ये केस में क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इथेनॉल है. आपको पता है इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस. वो केस में मैं क्या दिया था? एल्कोहलिक KOH. सो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? दैट विल गिव यू एलिमिनेशन प्रोडक्ट एंड दैट इज ई टू रिएक्शन. एंड मैं बोला था कि ई टू रिएक्शन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत है, बट ई वन रिएक्शन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत नहीं है. ओके, अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है. जो रिएक्शन क्या होगा इसमें तुम्हारा? ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. एलिमिनेशन रिएक्शन को आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट लाइक दिस CH3. ओके, एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH2. आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, अच्छा, हम देखते हैं और एक एग्जांपल लिखे ई वन रिएक्शन का. एक मैकेनिज्म समझते हैं कैसे इसका मैकेनिज्म हो रहा है. यू हैव लाइक दिस CH3. एक मैकेनिज्म देखते हैं इसका, रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म, कौन सा रिएक्शन ये फॉलो कर रहा है. देखो स्टूडेंट्स, दिस इज एन थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड. ओके, ये क्या है? थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड है. इसके साथ आप क्या करो? यू रिएक्ट दिस वन विथ इथेनॉल एंड यू हीट इट. हीट इट करोगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट ए प्रोडक्ट लाइक दिस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा. प्लस इसके साथ मिलेगा, यस, दिस प्रोडक्ट यू विल गेट एंड माइनस वाटर निकल जाएगा. नाउ यू टेल मी, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? ये देखो, मैं पहले आपको बोला था कल कि जब आपको अल्किन मिलेगा, दिस इज एन अल्किन. तो अल्किन मिलेगा मीन्स वो रिएक्शन कहां से जा रहा है? दैट रिएक्शन विल गो थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा? इस पोजीशन में ये वाला लग जाएगा. ये जो ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन में लग जाएगा. तो इफ यू गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म में तुम जाओगे तो देन व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स, ये जो ई वन रिएक्शन है, ई वन रिएक्शन इज ए टू स्टेप रिएक्शन. ई वन टू स्टेप रिएक्शन. प्लीज रिमेंबर, ई टू रिएक्शन जो था, ई टू रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, बट ई वन रिएक्शन जो है दैट इज ए टू स्टेप रिएक्शन. ओके,
सो फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, देन आपको अल्किन मिलेगा। ओके, सो इसका मैकेनिज्म अच्छे से मैं कॉल करवाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।